स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि किसी कभी भी वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जो है सबसे जो मेन चीज है वो क्या जरूरी होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपको क्या बताया था, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कब होगी, जब जब उसमें डायरेक्शन होगा। नहीं। डायरेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, डायरेक्शन ऑलमोस्ट सभी क्वांटिटीज में डायरेक्शन होता है, ठीक है। मैं वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या बताया था आपको? हाँ, वेक्टर अलजेब्रा एडिशन, इट शुड ओबे द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट ओबे द, है ना, रूल ऑफ या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर वेक्टर टू बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ ये देखेंगे कि वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये पेपर में ये सब आता नहीं है, बट ये आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है तो पूरा चैप्टर आपका बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे मतलब एक तरह से हम लोग एकदम जैसे ABCD है इस चैप्टर का ये, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जैसे इंग्लिश में हम लोग ABCD और स्टार्ट करते हैं बचपन ABCD से, उसी तरह से ये चैप्टर में और पूरा 11th 12th के लिए ABCD है ये, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था थर्ड और फोर्थ चैप्टर ग्रामर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं फिजिक्स के ग्रामर, ये दोनों चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। सो हम लोग छोटे छोटे तरीके से एकदम बच्चों की तरह अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आज, फिर कल से थोड़ा हम लोग हाई लेवल में स्टार्ट करेंगे पढ़ाई को इस चैप्टर से, ठीक है। आज बस आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे वेक्टर आपके, क्योंकि एक नया चीज आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना थोड़ा अच्छे से और बेसिक तरीके से जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक स्क्रीन विजिबल हो गया होगा सबको, ठीक है। चलिए, अब इसमें कल हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। आज अब देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी NCERT में चीजें शुरू में ही डाल रखा है ना, ये सब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये सब अभी क्या होगा, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग पहले थोड़ा बेसिक को और अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझना आसान पड़े। इसके बाद वाले टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। पिछले क्लास में आपको मैंने इतना समझा दिया था, इतना बता दिया था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम लोग जैसे वेक्टर ए लिख रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल में लिख रहे हैं तो उसके ऊपर में एरो का साइन डालते हैं, यानी कि कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरो उसके ऊपर में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ ये है और ये है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है, ये क्या है, स्पीड बोलेंगे या वेलोसिटी बोलेंगे इसको, आपको पूछ देंगे कि चलिए बताइए इस दोनों में, है ना, एक और दो, इस दोनों में कौन सा स्पीड है, कौन सी वेलोसिटी है, बताइए। हाँ, जिस पर डायरेक्शन है वो वेलोसिटी। वो तो सबको पता है, मैं यहाँ वन और टू में पूछ रहा हूं, वन और टू में कौन सा स्पीड है, कौन सी वेलोसिटी स्पीड है, है। सेकंड वन जो है स्पीड है और सेकेंड वेलोसिटी। वाला वेलोसिटी है, क्योंकि सेकेंड वाला एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर कभी भी आपको कभी भी किसी भी क्वांटिटी पे अगर एरो डाल दिए हैं, इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके।
तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो और हमारा जो एनसीईआरटी है, आप उसको वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी वो क्या करता है, बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हैं ये क्या है, बोल्ड लेटर है। जहां जहां पे बोल्ड लेटर है वो सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। क्योंकि इसमें एरो डालने में शायद एनसीईआरटी वालों को प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए बुक के स्टार्टिंग में ही इसने लिख दिया है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम एरो से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां भी आप बोल्ड लेटर देखेंगे समझ जाएंगे कि उसके ऊपर एरो लगा हुआ है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। आप देख रहे होंगे कहीं पे भी वेक्टर मतलब एरो बना हुआ नहीं है किसी भी क्वांटिटी पे, तो बट जहां पर भी बोल्ड बोल्ड है सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक। अब इसमें बेसिक बात को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे सपोज कल आपको मैंने बताया था कि अगर एक ये वेक्टर, अगर वेक्टर ए है तो ये वेक्टर जो है वो वेक्टर 2a है। कोई दिक्कत किसी को समझने में, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये? अरे कुछ तो बोलो, कोई भी, कैसे हो गया? सब गायब। 2a, a से 2a कैसे हो गया? मैं तो बस इतना सा पूछ रहा हूँ, कल बताया हूँ मैं इसके बारे में आपको। बोलियो। अरे यार सब खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं, कोई नहीं बता पा रहा है। अरे कल बताया था ना कि जब हम यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये एरो का लेंथ और ये एरो का लेंथ, दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए, इसका जस्ट डबल है ना ये वाला, तो इसलिए 2a हो गया। अभी भी नहीं समझ आया? आ गया सर। ठीक है। तो यही चीज को कल मैं बताया हूं कि लेंथ ऑफ द एरो है ना, स्पेसिफाई या इंडिकेट्स दी क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया। ये पार्थ वगैरह है क्या कि चले गया पार्थ? यस सर। चलो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या भाई? थोड़ी देर में बताना, ठीक है, तुरंत नहीं। क्या सर, साउंड नहीं आ रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, सोच के बताना लॉजिकली, ठीक है। तुरंत नहीं, आराम से सोच लो, गलत बताओगे पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए सोच के बताना, ठीक है। चलिए, यस वो नेट पे सर्च मत कर लेना। चलिए अब देखिए, ये इसको देखिए फिर से, ये आपका अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस ए है, ठीक है, और ये आपका जो है -1.5 a है। कुछ समझ आया किसी को? हाँ कुछ समझ आया कि देखिए ये इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, तो एक a हो गया तो दूसरा माइनस ए हो गया। कुछ नहीं समझ आया किसी को? आया सर। ठीक है। फिर आप देखिए, ये आपका -1.5 ए है, क्योंकि ये अगर 1 है तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा ये 1.5, ठीक है, समझ रहे हैं। बस सिर्फ सिर्फ ये क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ एरो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो पे डिपेंड कर रहा है। अब आपसे अगर मैं ये पूछ दूं, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से कि इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी दिस वेक्टर? मैंने जो रेड कलर से मार्क किया है उसका वैल्यू बताइए क्या होगा, उसको क्या डिनोट करेंगे हम, बोलिए। 1.58 दिस इज 1.5 टाइम्स वेक्टर ए। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी की माइक में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। दिस इज 1.5 a, ठीक, समझ गए सब कोई? तो -1.5 +1.5, ठीक है, तो ये सब आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
है ना। अब ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमको प्रॉब्लम होती रहेगी आगे चल के। अब बताइए, थोड़ा सा मैंने, दोनों की लेंथ इक्वल है, हो सकता है ड्राइंग में गड़बड़ हो गया हो, है ना। ये देखिए, अबे कहाँ चले जाता है। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये ऐसे। ठीक है, मतलब आपको समझा दे रहा हूं कि ये ए के, इसके जो है ना, इसके ये पैरेलल भी है और इसके जस्ट इक्वल भी है। ठीक है, तो ये अगर ए है तो इसको क्या बोलेंगे, ये बताइए। छोटी सी बात है बट आपको बहुत चीज सिखाएगी, है क्या है ये बताइए आप लोग, कोई भी बताइए। हाँ, क्या बोलेंगे इसको, ए डैश बोलेंगे। चलो एक एक करके पूछ लेता हूँ, कौन बताएगा? खुशी, आप बताइए। खुशी क्या है, उसको क्या बोलना चाहिए? ए डैश ए डैश। डैश कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, और कौन बताएगा? नंदिनी, आप बताइए। नंदिनी यस सर क्या होगा, वो उसको क्या बोलेंगे अपन? श्रीदत्त, आप बताइए क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलना चाहिए रेड वाले को? ए हाँ, ए ए। ठीक है, देखिए, आई शुड नॉट वेस्ट मच टाइम, ये वेक्टर ए ही है। ठीक है, मतलब इससे ये पता चलता है कि कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर को उठा के आप पैरेलल में, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेम लेंथ होना चाहिए, और उसके पैरेलल आप कहीं भी लेके चले जाइए उसी प्लेन में। सॉरी, ये लेंथ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये पैरेलल, जैसे अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर अगर आपका ए है ऑलरेडी, ठीक, तो ये भी वेक्टर आपका ए है। ठीक है, ये वेक्टर भी ए है, ये वेक्टर भी ए है, ये वेक्टर, अबे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, जस्ट उसके पैरेलल उठा के उसको हम लोग कहीं भी लेके अगर जाते हैं तो ए ही वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे भी पैरेलल वेक्टर ए है। ठीक है, इस जगह दोनों के बीच में यहाँ रख देंगे तो ए है। यानी आपको इससे ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक वेक्टर पैरेलल में उठा के अगर कहीं भी लेके चले जाएं उस प्लेन में, तो हर जगह पर वो वेक्टर वही रहेगा, उसका चेंज उसको नहीं बोलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एग्रीड है सब? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए थोड़ा सा। नो सर। हाँ, चलो पार्थ, पार्थ बताओ क्या हुआ तुम्हारा आंसर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सर इनर्शिया तो स्केलर होता है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वेक्टर टाइप बिहेव करता है, तो समझ वेक्टर नहीं टाइप आ रहा, कैसे बिहेव करेगा? समझ नहीं आ रहा है सर। दोनों है, नहीं आ रहा है। दोनों चलिए दोनों ठीक नहीं होगा। है, ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं भी सर्च नहीं किया, ईमानदार हैं आप, वेरी गुड। नेट पे सर्च करते तो आपको दिख जाता है ये। ठीक है, सुयश बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है? हाँ, वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। स्केलर या वेक्टर? हाँ सर मिल गया, टेंसर क्वांटिटी ठीक है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ सर, प्रॉब्लम होगी। ठीक सर है, टेंसर क्वांटिटी। तो बाकी लोग बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ही स्केलर क्वांटिटी है ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। हम्म,
क्या हो रहा है। हाँ नेट पे सर्च कर लिया तुरंत लग रहा है। अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं, कोई तो रिप्लाई करो। आ रही है सर। ठीक है तो इतना टाइम लगा तो तुरंत बोल दिया करो ना। अब एक बच्चे की नहीं आ रही थी तो मुझे लगा शायद मेरे नेट में प्रॉब्लम होगा। चलिए तो स्केलर भी नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर है ना। इसको हम लोग ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जो पार्थ ने लिखा है चैट बॉक्स में सही लिखा है। ठीक है, अभी सर्च कर लिया होगा उसने नेट पे। तो टेंस उसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मतलब स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, समझ गया ना। ठीक है, उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ठीक, तो हम लोग के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो उसमें है ना, तो उसको हम लोग को ज्यादा उसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे। हाँ, तो ये सब आपको ये ओरिएंटेशन समझ में आ गया कि कैसे हम लोग जो है वेक्टर्स को डिनोट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज खाली बेसिक बेसिक बात पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एडिशन ऑफ कैसे वेक्टर करते हैं। वेक्टर एडिशन दो तरीके से होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, एक बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का दूसरा नाम हेड टू टेल लॉ भी है। ठीक है, ठीक, हेड से टेल, हेड टू टेल लॉ। अब देखिएगा हेड और टेल किसको बोलते हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे ये अगर सपोज आपका एक वेक्टर है तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आप समझ सकते हैं क्या बोलते होंगे, हेड बोलेंगे या टेल बोलेंगे, बोलिए क्या टेल बोलना चाहिए इसको। इसको टेल बोलेंगे और इसको टेल हेड बोलेंगे। ठीक है, टेल आई थिंक ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा, हेड और टेल क्या होता है। ठीक है, क्लियर। सर जहां पे एरो का यस हेड है, एरो जहां पे जा रहा है जिस डायरेक्शन में, उसको हम लोग टेल बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और जहां से शुरू हो रहा है उसको हेड बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये एक जो है आपका है ना पॉइंट ओ है। ठीक, अब हम दोनों इन दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ज्वाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली ओरिजिन भी बोल सकते हैं। अब वहां से हमने क्या किया, एक वेक्टर है ना को ले लिया, जस्ट पैरेलल उठाना है, हमेशा याद रखिएगा, एक वेक्टर को जस्ट पैरेलल उठाना है। तो इस ए वेक्टर को हमने पैरेलल उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक, और उसका नाम दे दिया ओपी वेक्टर। ठीक है, तो जो ओपी है, देखिएगा ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूं इसमें कुछ समझने की बात है। ये देखिए मैं अभी क्या लिखा, ओपी इक्वल टू ए। ठीक, लेकिन ये क्या है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं और एक हम ऐसा लिख रहे हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है, समझा रहा हूं मैं। ओपी जो है ये आपको लेंथ को शो कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर होगा। लेकिन ये क्या है, ओपी पे जैसे ही हमने ये डाल दिया, तो इसका मतलब उसका लेंथ भी और डायरेक्शन भी सेम हो गया, ओपी और ए का। बात समझ में आई सबको? ठीक, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर हम लोगों को किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को बेचारे को पैरेलल उठाएंगे। ठीक है, और ओरिजिन पे ले जाके उसको रख देंगे। ठीक है, या फिर कोई एक रेफरेंस पॉइंट पे रख देंगे। तो इस ए वेक्टर को हम यहाँ पर ले गए। ठीक है, अब इस जो पहले वाला वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे हम दूसरे वाले वेक्टर के टेल को लेके जाएंगे। ये वाला जो वेक्टर बी है इसको पैरेलल उठा के शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उठा लीजिए, बिल्कुल ये वेक्टर बी है तो इसको हमने बी वेक्टर ले लिया। ठीक है, लेकिन रखना कहाँ है, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे, यानी कि दूसरे वाले वेक्टर का जो टेल है और पहले वाले वेक्टर का जो हेड है वो दोनों कोइंसाइड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? वंस मोर आई एम रिपीटिंग,
जब आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो फर्स्ट वाले वेक्टर का जो हेड है उसके ऊपर में दूसरे वाले वेक्टर के टेल को रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से रख दिया। और उठाना कैसे था, बिल्कुल पैरेलल, जरा सा भी डायरेक्शन चेंज ना हो, एग्रीड। अब दोनों को ऐड करना है, दो वेक्टर्स आ गए एक साथ, अब दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर के हेड को कंबाइन कर देंगे, तो उससे आपका दोनों वेक्टर ऐड हो गया। इसको हम लोग तो बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट आर वेक्टर। समझ आया सबको कि नहीं आया, कि फिर से समझाना है, बताइए। ये सबसे बेसिक बात थी पूरे चैप्टर में, ये समझ नहीं आएगा तो आपको सब जगह प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बोलिए, फिर से बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। जल्दी बोलिए, अरे सर एक बार रिपीट कर दो। बोलो, कोई सर एक बार रिपीट कर दो। हेलो सर एक बार हाँ, रिपीट नहीं आ कर रहा। दो। नहीं ठीक सर। है, चलिए, ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, अब देखो, एक वेक्टर जो है ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये है ऐसे, ठीक। बी को चलिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, अभी ऐसे ले लेते हैं, कैसे, थोड़ा मोटा वाला बनाओ ऐसे, 1 मिनट, ठीक है। एक वेक्टर सपोज ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी जो है वो ऐसे है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमने अभी आपको क्या बोला, ऐड करने के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, वेक्टर ए को पैरेलल उठाएंगे ऐसे, पैरेलल नहीं हुआ, हो गया लगभग, ठीक है, तो ये वेक्टर आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक। अब इस बी वेक्टर को क्या करना है, उठाना है पैरेलल, ठीक है, और ए वेक्टर के हेड पे रखना है बी के टेल को, तो बी को उठाए इस तरह से ऐसे, ठीक है, देखिए बी के पैरेलल लेके गए हैं, समझ रहे हैं बात को, तो बी को पैरेलल उठा के यहां पर रख दिया, कहां पर रखा, ए के हेड पे, किसको, बी के टेल को रखना है, समझ आया सबको। अब फिर ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दें सीधा सीधा, ठीक है, तो ये आपका आ गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर के नाम से जानते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ आ रहा है सबको या नहीं आया, ये बताइए। यस सर। अब सबको क्लियर है कि दिक्कत हो रही है अभी भी? यस हाँ, सर। क्लियर सर। चलिए, ठीक है, नो सर। ओके क्लियर है। ओके गुड, ठीक है, ओके। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा फिर से, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, कैसे, पहले हम क्या किए है ना, वेक्टर बी को रख दिए, पहले क्या कर दिया, बी को रख दिया, ठीक है, यहां पर हमने पहले किसको रखा था, ए को, ठीक है, अब क्या किया, पहले बी को उठाया, उसके पैरेलल यहां पर रख दिया, सही है, रख दिया, बोलो। और उसके बाद अब फिर ए वेक्टर को उठा के है ना बी वेक्टर के हेड पे शिफ्ट करना है, तो ए को पैरेलल उठाया, उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है, कैसे, बी के हेड पे ए के टेल को रख दिया, ठीक है, बी के हेड पे ए के टेल को रख दिया, ठीक। समझ आया सबको कि नहीं आया, कैसे कैसे शिफ्ट किया, देखा सबने, बी के पैरेलल एक वेक्टर लिया, कुछ नहीं करना है, बस सर दोनों को पैरेलल उठाना है बस, ठीक है, पैरेलल
जिसको बोलेगा उसको पहले ले लेंगे, तो पहले बी था तो बी को पहले ले लिया, फिर ए को बाद में लिया, ए को पैरेलल उठाया, उठा के कहाँ रखेंगे, फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पे रखा, ये वेक्टर हो गया। करना क्या है, ऐड करना है, तो फर्स्ट वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर दीजिए, सो दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो अब आप देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों अलग अलग है कि सेम है, नहीं समझे। आर वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए किया एक बार, और ए प्लस बी दोनों आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे है ना, ये वेक्टर आर प्लस ए, आर इक्वल टू ए प्लस बी है, और ये वेक्टर बी प्लस ए है, और आप देखेंगे अगर, तो ये ओ क्यू वैक्टर और क्यू पी वैक्टर दोनों आपस में पैरल है या नहीं है, पैरल है या नहीं है? यस सर है है। तो अगर ये पैरेलल है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, ठीक है, या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, दोनों ही एक ही है। एग्रीड और नॉट, बोलिए, एग्रीड और नॉट, एग्रीड बोलो। तो आप बचपन में पढ़ते थे है एग्रीड ना, बचपन में आप पढ़ते थे कि अगर है ना 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 आपस में इक्वल है, तो इसको कोई एक लॉ के नाम से जानते थे, कौन सा लॉ कहलाता था ये बताइए, कोई कौन सा लॉ होता था ये, तो भूल गए, इसको हम लोग बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, भूल गए। एक एक दूसरे को पलट देते हैं तो वो बराबर होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे इसको, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये आपको फाइनली ये बताता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है ये वाला चीज, कि आप कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है या नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो ट्रायंगल मेथड को हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, और कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव भी कर दिया हमने फिगर से, समझ आया सबको या नहीं आया ये बताइए। आया सर आ गया सर ओके ठीक है। अब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के बाद देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, समझ गए। एसोसिएटिव लॉ इसी से रिलेटेड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखिए, एक वेक्टर आपका सपोज वेक्टर ए है, ठीक, दूसरा वेक्टर बी है ऐसे, ठीक, और तीसरा वेक्टर सी है ऐसे, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए आपको मालूम होगा कि 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पेपर में आता भी है, ठीक है, कि आप एसोसिएटिव लॉ को ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली प्रूफ करके दिखाइए कैसे होगा, ठीक है, फॉलो करता है या नहीं, डू द वेक्टर अलजेब्रा फॉलो एसोसिएटिव लॉ और नॉट, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के पैरेलल उठा के है ना यहाँ पे रख दिया ए वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ में अगर दिक्कत हो जाएगी तो उसको आप समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझिए। तो ये वेक्टर ए है, क्लियर, थोड़ा इसको मोटा कर दें, कहाँ है ये मिटेगा, तो 11:30 से बायो की भी क्लास है, तो थोड़ा मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको 11:15:20 तक, थोड़ा सा मोटा वाला पेंसिल ले लो। ये है आपका वेक्टर ए, ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बी वेक्टर को उठा के इसके ऊपर रखना है, ठीक है, ए के हेड पे, तो बी वेक्टर के पैरेलल लेके गए, ठीक है, और ए के हेड पे बी वेक्टर को रख दिया, रख दिया। अब सी को भी पैरेलल उठाना है, सी ऐसे है तो सी को ऐसे हम लोग रख दिए, 3 वेक्टर को ले आए हम लोग एक साथ, यहां तक क्लियर, सब ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है सबको कि कोई प्रॉब्लम है बताइए। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं अच्छा अच्छा दिखने के लिए ना सी को थोड़ा हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए, और
का डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लग जाए। हो जाओ चेंज। हाँ अब देखिए सी को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सी को ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब सी को जो है पैरेलल हम उठा के ऐसे ला रहे हैं, लेकिन ऐसे भी, अरे यार सही तो था पहले भी। रुकिए सी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर आपका ऐसे हो जाएगा, जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, देखने में अच्छा लगे बुरा लगे समझने से मतलब है, ठीक है। तो तीन वेक्टर हो गया, आपने देखा कैसे कैसे किया, पहले ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को पैरेलल उठा के शिफ्ट किया, फिर बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर के टेल को पैरेलल उठा के शिफ्ट किया, तीनों वेक्टर अब जुड़ गए। अब इनको जोड़ना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा थोड़ा, अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसको कलर। ये देखिए इस वेक्टर का क्या नाम देंगे आप लोग, इस वेक्टर का ए क्या नाम वेक्टर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान से समझिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, लॉजिक। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके ए कलर कर दो, इस वेक्टर का क्या नाम देंगे आप, तो क्या बोलेंगे आप बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बोलिए। सी। अरे वेक्टर ए प्लस बी था और उसके बाद ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर हो गया ए प्लस बी, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा है, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी वेक्टर है ना को, और फिर प्लस सी। समझ नहीं आया किसी को, इसको हम लोग फर्स्ट वेक्टर, इसको सेकंड वेक्टर, तो ये हमारा रिजल्टेंट उन दोनों का ऐसे बनेगा। समझ आया या नहीं आया बताइए, दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ दिक्कत क्या सर, थोड़ी सी सर। हुई थोड़ी सी, यानी रिपीट करूं मैं फिर से, बोल रिपीट करना है या नहीं करना है, जल्दी एक बोलो बार एक बार, ठीक है। जल्दी जल्दी में देखिएगा नो ध्यान से, सर। फिर से रिपीट कर। देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर आपका बी है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका सी है, ठीक। मैंने क्या किया, पहले इस दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो गया क्या, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को रखा है, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, तो इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर का सम होगा, तो इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों मिलके एक वेक्टर ये हो गया, प्लस में तीसरा वेक्टर है ना, वेक्टर सी। समझ आया कि नहीं आया, अभी भी बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी, हाँ या नहीं। आगे आ गया, ठीक है, नहीं आता है तो पूछ लिया कीजिए, क्योंकि आज आगे मैं बोला सर। आज की क्लास में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर पूरा फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी, 11th 12th दोनों, ठीक है, इसलिए पूछ लिया कीजिए, शर्माइए मत, आज ही है जो भी है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक तो हमने ये कर दिया, अब दूसरी तरफ हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, इसको अब फिर से एक नया कलर लेना पड़ेगा, उस कलर को ये कलर दिखता है या नहीं दिखता है बताइएगा, ठीक है। ये देखिएगा अभी क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये दिखा कलर या नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए, इस वेक्टर का नाम बताइए क्या होगा, ये जो येलो कलर से, हाँ वेक्टर बी प्लस वेक्टर येलो वाला वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं बताइए, बोल सकते बोल हैं, सकते। क्योंकि बी के टेल से सी के हेड को ज्वाइन किया है, ठीक है।
तो बी के टेल से सी को हेड को ज्वाइन किया है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर? यस सर, बोलिए। ओके, तो यस सर। अब फिर मैं एक और बार उसी चीज को रिप्लेस करके, है ना, इस कलर से दिखता हूँ। ठीक है, अब फिर से दिखेगा, मैं एक और नया वेक्टर बना रहा हूँ, लेकिन वो पुराना ही है नया नहीं। ठीक है, वो दिखने में नया लगेगा लेकिन पुराना ही है। ये वेक्टर फिर से बनाया हूं, इसका नाम बताइएगा कैसे ये वेक्टर। हाँ ठीक ये है, वेक्टर इसको और इसको, है ना, ये और ये दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए फिर से दिखेगा ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया और फिर ये वेक्टर हो गया बी प्लस सी। ठीक है, समझ आया सबको? तो ये वेक्टर प्लस में ये सर। वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताइए। ए प्लस, है ना, ये वेक्टर प्लस में बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखेंगे। यस और नो? यस और नो? ठीक है, यस सर, अब आप ये बताइए कि पहले जो ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पहले जो ब्लैक कलर से मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिखा था, ये पूरा ही मिट रहा है यार, और बाद में जो मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिखा, ठीक है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? अलग 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 हे भगवान, अलग अलग को कैसे अलग अलग सेम रिप्रेजेंट कर सेम रहा है? इसी को तो ज्वाइन किया था, अलग अलग कैसे हो गया ये? सेम है सर, सेम है ना? तो अब सर। आप लोग ये बोल सकते हैं, तो इसका मतलब यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो ग्रीन वाला है, दैट इज इक्वल टू येलो वाले को, अगर हम लोग ऐसा बोल दें, ये वाला जो था, है ना, कि ए प्लस, है ना, बी प्लस सी को एक साथ और ए प्लस को अलग किया। ठीक है, सॉरी क्या हो गया, ये तो येलो वाला आ गया, मतलब इसको यहाँ से एनसीईआरटी से अब आपको दिखाते हैं। चलिए, अब तो वहां पे समझ में आ ही गया आपको। देखिएगा इसको, ये देखिए वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या बना, ए प्लस बी बना, समझ गए, और ये वेक्टर आपका सी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा, ये वाला बोल सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में और सी वेक्टर, ये वाला बोलेंगे, समझा, ये यस लाइन। ठीक है, चलिए अब फिर दूसरे सिचुएशन में देखिए, दूसरे सिचुएशन में अब पहले क्या कर रहा हूं मैं, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया क्या, वेक्टर बी प्लस सी बना, क्योंकि ये बी है ये सी है, ये बी प्लस सी बना। अब फिर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी प्लस सी, उसको ज्वाइन किया तो ये है ए प्लस बी प्लस सी, समझ आया? तो इसमें क्या होगा, सर, इसमें क्या हो रहा है, बी प्लस सी आपका ब्रैकेट में आएगा और ए वाला अकेला रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों ही जो ऊपर और नीचे जो है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट का खाली बस सेम वो है, खेल हो रहा है, बाकी दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताइए। कर रहा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप ये बोल सकते हैं अगर कोई भी वेक्टर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस वी कैन से दैट ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और एग्री, नॉट? यस एग्रीड। तो सर, एग्री। यही आपका एसोसिएटिव, यही आपका एसोसिएटिव लॉ होता था बचपन में, पढ़ते थे एसोसिएटिव लॉ, कि वहां पर एसोसिएटिव लॉ बचपन में क्या पढ़ते थे, कि 2 प्लस 3, है ना, प्लस में 5 है, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 को अलग कर दिए और 3 और 5 को एक साथ ब्रैकेट में प्लस कर दिए, है ना, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो वही है एसोसिएटिव यस लॉ। क्लियर हो गया सबको एसोसिएटिव लॉ या नहीं हुआ, ये बताइए। यस सर, ओके। ठीक है, तो जाते जाते आप लोग की एक भी दूसरी क्लास है लगातार, तो इसलिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बाकी उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, कि एक उसके बाद आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ।
बाकी हम लोग डिटेल्स से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या होता है इसमें? एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है? इसके अलोंग वेक्टर्स को जब हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ध्यान से याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, ठीक है? इनको हम लोग यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, और एक और चलिए लिख देते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मोशन इन प्लेन है तो 3 डायमेंशन भी हो सकता है, इसके अलोंग होता है के कैप, ठीक है? आई कैप, जे कैप और के कैप, और इन सब का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड को है ना मॉड से दिखाते हैं, तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है? यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात। अभी क्या बताया मैंने आपको, ठीक है? क्या बताया? नीट वेक्टर। हाँ, आयुषी, आयुषी कौन है? यस सर। आयुष, चलिए आप बताइए, एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा वेक्टर होता है? एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा आई वेक्टर होता है? आई कैप, ठीक है? बायो वाले बच्चे, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जा सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी लोग रुके रहेंगे, मैथ्स वाले। हाँ बोलिए। सर। ठीक है, गीतिका आप बताइए, वाई एक्सिस के अलावा कौन सा वेक्टर होता है? जी सर। जे कैप, वेरी गुड। दिनेश्वर आप बताइए, जेड एक्सिस के अलावा कौन सा वेक्टर? के ठीक है। कैप, गुड, ठीक है? और तीनों ही जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा जो वेक्टर्स होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? किशोर आप बताइए, किशोर। वन, ठीक है? और वन होता है, ठीक है? नंदिनी आप बताइए, अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको इसलिए क्या बोलते हैं? उसको इसलिए क्या बोलते हैं उनको? किशोर कहाँ चले गया बच्चा? ठीक है, यस किशोर नहीं बता रहा, प्राची। हाँ बताइए, उसको मैग्नीट्यूड 1 जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे वेक्टर को? क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर।